नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मनोहर लाल बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार के 600 दिन पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार को मीडिया से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री इस बार के कार्यकाल के दौरान कोविड संक्रमण की महामारी के बावजूद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ साथ में बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के सामने चुनौतियों के बावजूद आर्थिक हालात व पूरे प्रदेश में समान विकास के संकल्प पर विचार रखने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय ने मानी विधानसभा अध्यक्ष की मांगे, पंचकूला चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन बनेगा विश्व स्तरीय। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा की गई पंचकूला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और दोनों शहरों के बीच नई कनेक्टिविटी समेत लगभग सभी बड़ी मांगों पर स्वीकृति दे दी है। इंडियन स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सह प्रबंधक निदेशक प्रणीता राय ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए प्रणीता राय 23 जून को चंडीगढ़ आएंगी। सरकारी विभागों में किया जाएगा ई व्हीकल्स का प्रयोग, योजना बना रही हरियाणा सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ई व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में भी हरियाणा पूरे देश में अग्रणी बने, इसके लिए एक विशेष कलेक्टर तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज यहां ई व्हीकल पॉलिसी गठन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, प्रदेश में अपराधी बेलगाम, सरकार बेसुध। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के लिए बीजेपी जेजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम है और सरकार बेसुध। चोरी, लूट, डकैती, फिरौती और हत्या प्रदेश में दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। सरेआम किसी को गोली मारना या हत्या की खबरें आम हो चली हैं। अब राशन डिपो पर ब्रांडेड FMCG कंपनियों का सामान उचित दामों पर मिलेगा। हरियाणा सरकार के आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान में उस वक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड FMCG कंपनियां फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की पायलट शुरुआत की है। इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकूला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। खटकल टोल प्लाजा पर जहरीला पदार्थ निगल किसान ने की आत्महत्या। खटकल टोल प्लाजा पर मंगलवार रात एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। टोल पर मौजूद किसान नेताओं का कहना था कि सरकार 3 काले कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है, जिसके चलते मृतक सरकार के इस रवैये से आहत था। किसान नेताओं का कहना था कि मृतक के शव को खटकल टोल प्लाजा पर लेकर जाएंगे, वहां पर खटकल टोल प्लाजा कमेटी पर जो भी फैसला लेगी वही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। PGI में हड़ताल का काउंटडाउन शुरू, काले बैज लगाकर काम करेंगे कर्मचारी। PGI को कॉमन कैडर में शामिल करने का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को हरियाणा स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, नॉन टीचिंग और नर्सिंग एसोसिएशन दहाड़ी और आंदोलन का ऐलान कर दिया। PGI में हड़ताल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को 12 बजे प्रदर्शन करके गवर्नर के नाम कुलपति डॉक्टर OP कालरा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे अगले दिन शुक्रवार को लीगल नोटिस सरकार को भेजा जाएगा। सोनीपत से दिल्ली जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत, GT रोड तक 2 नए विकल्प मार्ग का रास्ता साफ। शहर से GT रोड तक 2 नए वैकल्पिक मार्ग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद रास्तों के निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करके नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सोनीपत शहर को GT रोड से मिलाने वाली बहालगढ़ एवं मरुथल रोड पर भारी ट्रैफिक के कारण जाम की समस्या रहती है। अब 2 सड़क और मिलने से ट्रैफिक का आवागमन आसान हो जाएगा और शहरवासियों को, विशेषकर दिल्ली जाने वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी। नगर निकायों की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए कब्जा धारकों को करना होगा यह काम। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर निकायों की संपत्ति पर कब्जा धारकों को मालिकाना हक देने के लिए नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपत्ति के कलेक्टर रेट में अधिकतम 50% तक की छूट भी दी जाएगी। यह नीति 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। बेसहारा गोवंश के उपचार व देखभाल के लिए सभी जिलों में बनेंगे अस्पताल।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सड़कों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गोवंश के उपचार व देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी जिलों में एक एक अस्पताल की व्यवस्था करे। इस अस्पताल में केवल चोटिल गोवंश का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा गो सेवा आयोग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही है। यमुना नदी में लगाए जा रहे पिलर, जाने हरियाणा और यूपी को क्या होगा इनका फायदा। हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए यमुना नदी में जिला के गांव बड़ी में लगाए जा रहे पिलरों का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। बुधवार को सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक और अब हरियाणा के मिशन डायरेक्टर जनरल गरिश की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में मीटिंग हुई। घोटाले को लेकर फिर सुर्खियों में है हरियाणा बीज विकास निगम, सीएम ने दिए विजिलेंस जाँच के आदेश। हरियाणा बीज विकास निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी बीज के उत्पादन के नाम पर कुछ लोगों ने कथित किसान बनकर खेल किया। महज थोड़ी कुछ एकड़ जमीन रखने वालों ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन दिखाकर सरकार को चूना लगाने का काम किया है। पूरा का पूरा मामला सीएम के संज्ञान में आ जाने के बाद इसकी विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय 3,000 रुपये बढ़ा। हरियाणा सरकार ने राज्य के कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। हरियाणा में 8 साल से पक्की नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में 3,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की है। सचिन पायलट के समर्थन में गुरुग्राम में होगी महापंचायत, समर्थकों को गद्दार बताए जाने से गुर्जर समाज में रोष। बसपा के बागी विधायकों द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों को गद्दार बताए जाने से गुर्जर समाज में जबरदस्त रोष है। इसे देखते हुए गुर्जर महापंचायत ने आगामी 4 जुलाई को गांव रिठौज में महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से गुर्जर समाज के प्रमुख लोग शरीक होंगे। सिरसा के अरनियावाली में व्यक्ति की मौत, बेटा बोला मारपीट के बाद पिता को जोहड़ में फेंका। सिरसा के नाथूसरी चौपड़ा थाना क्षेत्र के गांव अरनिया वाली निवासी 60 वर्षीय नत्थू राम की जोहड़ में गिरने से मौत हो गई। मृतक के बेटे सुनील का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों को उसके पिता का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में जोहड़ में धकेल दिया। सुनील का कहना है कि वह मंगलवार दोपहर को अपने ससुराल सिरसा से आया हुआ था। पैसों के लिए तीन औरतों ने उतरवा लिए बुजुर्ग के कपड़े, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। यमुनानगर सिटी पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक वृद्ध के घर में घुसकर अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताकर वृद्ध के कपड़े उतराया, उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगी। 50,000 की राशि लेने के बाद वृद्ध से 5,00,000 की मांग की, जिस पर वृद्ध व्यक्ति ने यमुनानगर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिनों से ठप पड़ी है बिजली सप्लाई, गुस्साए ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता को रोका। पिछले दिनों आई तेज आंधी से टूटे बिजली पोल से चरमराई बिजली व्यवस्था के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने विभाग के प्रति रोष जताया है। ग्रामीणों ने बिजली ठीक करवाने के लिए आए विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता के वाहन की चाबी निकाल ली और जल्द बिजली सप्लाई शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिन से उनके गाँव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी, लेकिन विभाग कर्मी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। गोहाना के गांव शामड़ी में अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तब घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने धुआं उठता देखकर घर के सदस्यों को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद घर के लोगों ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने में लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। हनी ट्रैप के मामले से परेशान व्यक्ति ने थाने के बाहर खुद को लगाई आग, मौत। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में पुलिस थाने के बाहर एक व्यक्ति ने हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। 8वीं की छात्रा से कंपनी कर्मी ने किया दुष्कर्म। कक्षा 8वीं की छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बिहार निवासी एक व्यक्ति ने कहा कि वह परिवार के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहते हैं। उनके पड़ोस में ही इलाहाबाद निवासी एक युवक भी रहता है तथा एक फैक्ट्री में काम करता है। वह 28 अप्रैल की रात को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले सीएम मनोहर लाल।
हरियाणा में कैबिनेट की विस्तार और बदलाव की अटकलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगले दो दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इससे ठीक पहले राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से उनकी मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीरवार को भाजपा जजपा सरकार के 600 दिन पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी सरकार के अहम फैसलों की जानकारी देने के साथ ही भविष्य की योजनाओं का खाका खींचेंगे। छापेमारी को लेकर चढ़ूनी ने वीडियो जारी कर सरकार को दी चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने झज्जर भाजपा कार्यालय में शिलान्यास के बाद की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की छापेमारी का एक वीडियो जारी करते हुए विरोध जताया है। उसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जानबूझकर किसानों से सरकार छेड़छाड़ कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ द्वारा शिलान्यास करने के लिए जाने के बाद लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। बाइक सवार को रौंदकर गड्ढों में जा गिरी प्राइवेट बस, आसपास के लोगों ने निकाला सवारियों को। बुधवार सुबह फतेहाबाद से रतिया के लिए निकली प्राइवेट बस ने गांव अयालकी के पास अनियंत्रित होकर पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और बाद में गहरे गड्ढे में जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस गड्ढे में पलटी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार सभी सवारियों को बाहर निकाला। कुरुक्षेत्र में जूतों के शोरूम में देर रात लगी भीषण आग, 6 गाड़ियों ने 8 घंटे में बुझाई। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में कैसल मॉल के सामने बने रेड टैप कंपनी के आउटलेट में मंगलवार देर रात आग लग गई। धुआं उठता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिलायंस ज्वेलर्स व स्टैंडर्स का शोरूम खुलने पर भड़के किसान, किया रोड जाम। रिलायंस ज्वेल्स व टैंड्स का शोरूम खुलने के बाद किसान भड़क गए और वह मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए रोष स्वरूप डब्वाली रोड पर जाम लगा दिया। अंबानी अडानी के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की और शोरूम बंद रखने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों ने डब्वाली, भटिंडा सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में रिलायंस के शोरूम बंद हैं। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों द्वारा शोरूम बंद करवाए गए हैं।